अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइसलेस पास्ता डी एस्ट्रा में आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो स्माइली, जिसके लिए ये मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। ठीक है जी, इसको हमने पानी में डाल के बॉईल कर लेना है। सिंपल, नमक भी नहीं डाला है मैंने, सिंपल पानी में डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब एक तरफ मैंने दो ब्रेड की स्लाइसेस लिए हैं और उसे मैं अपने चॉपर में चॉप कर लूँगी, ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ठीक है, जब इस तरह से आलू बॉयल हो जाएंगे इसके छिलके उतार लेंगे और उसको मैश कर लेंगे। एक तरफ हमने जो ब्रेड क्रम्स रेडी किए थे वो है। ठीक है, इसके बाद हम एक टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून भर के जो है चिकन पाउडर है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम शामिल कर देंगे मैश्ड पोटैटोज़ में। ठीक है, इसके बाद जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे 2 स्लाइसेस के वो डाल देंगे। 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। ठीक है, एक डो रेडी हो गई है। अब क्या करना है, सरफेस पे हमने जिस पे भी हमने अपना शेप निकालना है उस सरफेस पे हमने कॉर्नफ्लोर डस्ट करना है, हाथों पे ऑयल लगाना है और एक पेड़े के जितना जो है वो जो हमने डो रेडी किया है पोटैटो का वो ले लेना है और इसके बाद उसको इस तरह से फैलाना है। बहुत ज़्यादा आपने थिक भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला भी नहीं करना है। ठीक है, और इसकी कंसिस्टेंसी जैसे मैं आपको नज़र आ रही है थोड़ी हार्ड सी है, ऐसी ही होनी चाहिए। आप ज़्यादा पतला करेंगे तो इसका जो हम शेप बनाएंगे वो ऑयल में जाने के बाद ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने जो कॉफ़ी का कैप होता है उस साइज़ का कैप ले लिया है। आपके पास घर में किसी भी चीज़ का कोई भी कैप होता है और जो साइज़ आप बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब एक स्ट्रॉ ले ली है। ठीक है, एक काफ़ी चौड़ी सी स्ट्रॉ थी मेरे पास, वो मैंने ले ली है आइस बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह से इसकी आइस मैंने कट कर ली है, पूरी क्रॉस करनी है ताकि जब ऑयल में जाए तो इसका शेप चेंज ना हो। ठीक है, अब इसका जो स्माइली है, स्माइल जो बनाना है वो हम स्पून से बनाएंगे, जो नॉर्मल रेगुलर स्पून होती है हमारे घर में उससे हमने ये स्माइली बना ली है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी के भी सारे शेप कर लेंगे। बीच में से आराम से ये जो है जितना भी एक्सेस होगा वो हट जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने नीचे कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है और इसी तरह चम्मच के बैक साइड से हम इसको ये उठा लेंगे। ठीक है जी, तो पोटैटो स्माइली हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टी है या कोई भी पार्टी है बच्चों की है, लंच बॉक्स है बच्चों का, इन सब के लिए बेस्ट है। या इवनिंग स्नैक्स में भी आप शाम की चाय के साथ इसको बना सकते हैं। बहुत इजी है रेसिपी, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डल रहे। ठीक है जी, इस तरीके से सारे मैंने जो है वो रेडी करके रख लिए हैं। ठीक है, हम आप जो चाहें वो स्माइली को शेप भी दे सकते हैं, आप चाहें तो आप सेट के लिए भी उल्टा इस तरीके से बना सकते हैं, तो आप जो दिल चाहे कर सकते हैं। कुछ का मैंने जो है वो मुँह ओपन भी रखा है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने ऑयल ले लेना है और इसे हमने करना है डीप फ्राई। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, ये अच्छे से क्रिस्पी से हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का इसका कलर आना चाहिए, बिल्कुल लाइट सा, गोल्डन सा। इस तरीके से हमने ये सारे फ्राई कर लिए हैं और आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों को खुश कीजिए लंच बॉक्स में देखे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।